Now I am going to teach you the third poem of the book Footprints Without Feet, class 10th. A Tiger in the Zoo. This poem is composed by Leslie Norris. As the name of the poem is A Tiger in the Zoo, means the tiger that lives in the zoo. In this poem, the poet compares with the tiger that lives in the zoo and the tiger that lives in the forest. What is the difference between the tiger that lives in the zoo and that lives in the forest? So, a tiger that lives in the zoo, he is not free. He walks in the zoo in the limited area. He is not free and he just walks a few steps. He cannot catch his food. While the tiger that remains in the forest, he is totally free. He could move anywhere in the forest. He could catch his prey freely. So यहाँ पे लेस्ली नॉरिस कंपेयर कर रहे हैं टाइगर जो कि जू में रहता है और वो टाइगर जो कि फॉरेस्ट में रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी स्टैंजा केयरफुली एंड देन आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ द स्टैंजा द पोएटिक डिवाइस दैट इज गिवन. इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हाट द पोएट सेज, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. Here the strips. Strips means the skin of the tiger. The skin of the tiger is yellow and there is black strip in the skin. So that is strips. Vivid. Vivid means bright colored. Vivid means bright colored. The meaning is given here. I have written here the meaning. Then after the stacks, the meaning of the stacks is follows. Next, the word rage given here. Rage means anger, growth. So what the poet explained through this stanza? The poet says that he stacks in his vivid strips. Means the tiger that remain in the zoo, he walks around the zoo in his bright colored skin. यानी जो टाइगर जू में रहता है वो पिंजरे में ही वॉक करता है ब्राइट कलर्ड स्किन. और उसका स्किन कैसा है? ब्राइट कलर है जिसमें ब्लैक क्या है, स्ट्रिप्स है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस. नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि जो टाइगर जू में रहता है वो केवल कुछ ही स्टेप्स तक चल सकता है. ही कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द स्पेस ऑफ द जू इज लिमिटेड. देयर इज नॉट मच प्लेस. सो ही वॉक्स ओनली इन द लिमिटेड स्पेस ओनली अ आर टू थ्री स्टेप्स. थर्ड लाइन कहता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. Nobody hear the sounds of the footsteps of the tiger. कोई भी टाइगर के footsteps के sounds नहीं सुन सकता है. क्यों? क्योंकि जो टाइगर केज में रहता है या क्योंकि टाइगर के जो पास होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं. The paws of the tiger are very soft. They are looking like velvet. यानी they are as soft as velvet. यहां पे टाइगर के पास पैड्स मींस पास को कंपेयर किया है किससे? वेलवेट से. इन हिज क्वाइट रेज. लास्ट लाइन में पोएट कह रहा है कि रेज मींस एंगर. द टाइगर इज एंग्री बट ही इज क्वाइटली वॉकिंग इन द केज. यानी ड्यू टू हिज एंगर ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर बट ही इज क्वाइटली वॉकिंग इन हिज केज. He wants to be free. फ्री होना चाहता है
लेकिन यह फ्री नहीं हो सकता, इसलिए क्रोध में आने के बावजूद भी यह शांति से क्या करता है, केस में घूमता है, वॉकिंग करता है। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि जो टाइगर है वह केस के अंदर कुछ स्टेप्स तक वॉक करता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, इसके जो पास है वो सॉफ्ट है इसलिए बहुत तेज आवाज नहीं आती, और एंग्री होने के बावजूद भी यह शांति से उसमें क्या करता है, वॉक करता है। क्यों? क्योंकि यह अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं दिखा सकता, किसमें, केस में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज गोइंग टू यूज इन दिस स्टैंजा इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, तो यहां पर हम देखते हैं कि द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन स्ट्रिप्स, हमने इसको कंपेयर किया ए से, केस इसको कंपेयर किया बी से, क्वाइट इसको कंपेयर किया सी से, केस से मैच कर रहा है रेस, तो हमने अगर केस को बी से कंपेयर किया है तो रेस को भी बी से कंपेयर करेंगे। ये आपके इंग्लिश के जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं उनको हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कंटिन्यू मैच करे इसे केस से मैच रेस कर रहा है तो इसको अगर हमने बी किया है तो इसको बी, तो इसका राइमिंग स्कीम बना ए बी सी बी। तो ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम दैट इज कमिंग इन ईच स्टैंजा ऑफ दिस पोयम अ टाइगर इन द जू। यहां पे केस राइम कर रहा है किससे, रेस से। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड हियर पर्सोनिफिकेशन, यहां पे टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। द पोएट यूज्ड ही फॉर द टाइगर, सो टाइगर हियर पर्सोनिफाइड ही, टाइगर को ही से पर्सोनिफाइड किया गया। व्हाट इज द पर्सोनिफिकेशन, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नोन एज द लिविंग बीइंग्स दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पे टाइगर को ही से पर्सोनिफाइड किया गया है। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज गिवन हियर दैट इज द एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट किसे कहते हैं, व्हेन द लाइंस आर नॉट, व्हेन देयर इज नो पंचुएशन मार्क्स इन द लाइन। तो यहां पे ये फर्स्ट लाइन में कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है, ये जाकर के यहां पे पंचुएशन मार्क्स एंड हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन में कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है तो इसलिए यहां पे एंजॉयमेंट का यूज किया गया है। बट यहां पे पंचुएशन मार्क्स है, यहां पे पंचुएशन मार्क्स है, तो यहां पे कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, तो पोएटिक डिवाइस यहां पे कौन सी है, एंजॉयमेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज गिवन हियर एसोनेंस। एसोनेंस, व्हाट इज एसोनेंस, व्हेन एनी वॉवल साउंड इज कमिंग टूगेदर, तो दैट इज नोन एज एसोनेंस। जब वॉवल साउंड आ रहा है बार बार तो उसे एसोनेंस कहते हैं। यहां पर हमने देखा कि आई साउंड इज प्रोमिनेंट हियर, आई साउंड इज प्रोमिनेंट हियर इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो यहां पे आई साउंड प्रोमिनेंट है तो इसको हम एसोनेंस कहते हैं। सेम एज कॉन्सोनेंस, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पी ओ एन एस ओ एन ए एन सी, कॉन्सोनेंस। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोमिनेंट इन ए लाइन तो दैट इज नोन एज द कॉन्सोनेंस, लाइक एस कॉन्सोनेंट, एस 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 स्टार्स हिज स्ट्रिप्स, तो एस साउंड जो है यहां पे प्रोमिनेंट है इसलिए ये हो गया पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं हम मेटाफर। मेटाफर यहां पे हमने टाइगर के पास को कंपेयर किया है किससे, वेलवेट से, टाइगर के पास को वेलवेट से कंपेयर किया है, तो यहां पे मेटाफोर है लेकिन कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं है। कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज, लाइक सो एज होता तो सिमिली हो जाता, लेकिन कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं है इसलिए ये क्या है, मेटाफोर है। और नेक्स्ट लास्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड हियर इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर गिवन टुगेदर, जब टू अपोजिट आइडियाज बार बार दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीमोरॉन। तो यहां पे टू अपोजिट आइडियाज क्या है, रेज एंड क्वाइट, रेज मींस एंगर, क्वाइट मींस काम, शांत, तो यहां पे रेज का अपोजिट क्या हो रहा है, क्वाइट,
तो यहां पे अपोजिट आइडियाज साथ में दिए गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरॉन। तो दीज आर द पोएटिक डिवाइस दैट इज गिवन इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम सेकेंड वन, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम डियर पास। इन दिस सेकेंड स्टेंजा द पोएट लेस्ले नॉरिस डिस्क्राइब दैट इफ द पोएट दैट इज रिमेन इन द जू, सपोज दिस द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर दैट रिमेन्स इन द जू इट इज फ्री। अगर जो टाइगर जू में था अगर वो फ्री हो जाता तो कैसा होता, यानी हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर विच लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो कवि कह रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लर्किंग, लर्किंग मीन्स वेट फॉर इट्स प्रे। लर्किंग का मतलब अपने प्रे की वेट करना, प्रतीक्षा करना। तो सपोज अगर यह टाइगर फॉरेस्ट में रहता तो ये क्या करता, लर्क इन शैडो, इट मीन्स दिस टाइगर वेट फॉर हिज प्रे नियर द वॉटर बॉडीज, या अपने प्रे की वॉटर बॉडीज के पास जो लॉन्ग ग्रासेस है उसमें क्या करता, वेट करता, प्रतीक्षा करता। एंड देन आफ्टर इट प्रे द डियर फॉर हिज फूड। डियर इज द फेवरेट फूड ऑफ द टाइगर, जो डियर है वह टाइगर का सबसे फेवरेट फूड माना जाता है। तो बता रहा है कि सपोज इफ द टाइगर रिमेन्स इन द फॉरेस्ट ही शुड बी फ्री, वह फ्री होता, ही इज फियरलेस, वह लीडर होता, ही कैन मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट, वह फ्रीली मूव करता, ही कैन वेट फॉर हिज प्रे नियर द वॉटर बॉडीज इन द लॉन्ग ग्रास। वॉटर बॉडीज के पास जो लॉन्ग ग्रास होते वहां पर वो हाइड होता और हाइड होकर के अपने प्रे का वेट करता। एज सून एज द प्रे अप्रोचेस नियर हिम ही अटैक ऑन हिज प्रे लाइक डियर फॉर हिज फूड। वह उस पर क्या करता, अटैक कर देता। तो यहां पे पोएट कंपेयर कर रही है कि जो टाइगर फॉरेस्ट में होता वह पूरी तरह से फ्री होता, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, वह केज की तरह पिंजरे में बंद टाइगर की तरह टोटली सैड नहीं होता, जो कि हमेशा फ्री होने के लिए सोचता है। तो ये कंपेयर किया गया है किसके प्रति, द टाइगर दैट रिमेन्स इन द जू एंड दैट रिमेन्स इन द फॉरेस्ट। तो यहां पर कवि कहते हैं कि द एक्चुअल प्लेस ऑफ द टाइगर इज नॉट जू, जो एक्चुअल प्लेस होता है टाइगर का वो जू नहीं होता है। द एक्चुअल प्लेस ऑफ द टाइगर इज फॉरेस्ट वेयर ही कैन लीव फ्रीली, जहां पे वो क्या रहे, फ्रीली रहे। नाउ व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टैंजा, तो फर्स्टली वी कैन सी दैट द राइमिंग स्कीम, द सेम राइमिंग स्कीम इज दैट ए बी सी B, A, B, C, B is the rhyming scheme and grass rhyme with pass. जो grass है वो किससे rhyme हो रहा है, pass से rhyme हो रहा है। Second rhyming scheme is enjambment. Second rhyming scheme जो है वह है enjambment. What is enjambment? Enjambment means line continuous to next line without punctuation marks. यहां पे line जो है continuous है next line तक, लेकिन कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है। देखो यहां पे नो पंचुएशन मार्क्स, नो पंचुएशन मार्क्स, यहां पे कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है एंड इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन। तो दिस इज एंजैमेंट, ई एन जे ए एम बी एम ई एन टी, एंजैमेंट इज यूज्ड हियर, हियर नो पंचुएशन मार्क्स इज यूज्ड। तो यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एंजैमेंट। सेकेंड इज एलिटरेशन, एलिटरेशन हियर प्लम पास, पी साउंड इज कमिंग टूगेदर, पी साउंड जो है प्लम पास दे आर कमिंग टूगेदर इन अ लाइन। जब वेन एनी साउंड आर कमिंग
together in a line that is known as alliteration. So, yahan pe P, P, P sound is coming together. This is alliteration. So, yahan pe kya hai? Alliteration. Next, aur koi poetic device nahi hai. So, this is the poetic device that is given in the stanza. This is the third stanza of the poem, A Tiger in the Zoo. What the stanza says? He should be snarling around houses as the jungles is bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Here, the poet says that about the tiger who lives in the forest. Jo tiger forest mein rehta hai. So what the poet says? The poet says that suppose this tiger would have been in forest. Which tigers? He is talking about the tiger of the zoo. Suppose this tiger would have been remained in the forest, he would have walked around the houses that is located near the outskirts of the jungle. Yani agar ye forest ka tiger hota to ye jungle ke बाहरी साइड में जो गांव होते उनके घरों के आसपास क्या करता? मूव करता. स्नैरलिंग मूव करता, स्नैरल करता. स्नैरल मींस वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स. यानी वो उनके घरों के अगल बगल घूमता एंड साउंड क्रिएट करता. यानी वह स्नैरल करता. बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लास. व्हाइट फैंग्स हिज क्लास. बेयरिंग मींस अनकवर्ड. And fangs means sharp tooth. Fangs means sharp tooth. तो वह उनके घरों के आसपास घूमता. He also terrorized the people by his sharp teeth, by his claws, और अपने sharp teeth से, नुकीले दांतों से, पंजों से वह लोगों को terrorize करता. Even the people of the village feared with the tiger. और उस गांव के जो लोग होते उस टाइगर से क्या करते? बहुत डरते. दे फील वेरी फियर विद द टाइगर. तो इस पोयम में बता रहा है कि अगर ये जंगल का शेर होता तो जितने भी फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट एरिया में विलेज होते हैं या तो हाउसेज होते हैं वहां पे मूव करता वह लोगों और स्नैरिंग में कई प्रकार की आवाजें निकालता और अपने शार्प टीथ से और क्लास से वहां के लोगों को टेररिज करता, दहशत में डालता, उनको डराता. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा. तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज द राइमिंग स्कीम. सेम राइमिंग स्कीम ए बी सी बी. ए बी सी बी इज यूज्ड हियर एंड द एज rhyme with the village. A's word rhyme with the village. Second poetic device, as you know that used here, personification. Here he is personified. यहाँ पे poet ने tiger को किससे personified किया है? He से personified किया है. Next enjambment. We can see enjambment. What is the enjambment? I have told you that line continuous to the next line without any punctuation marks. जब कोई line next line तक जाए और उसमें कोई punctuation marks न हो तो उसे enjambment कहते हैं. जैसे आपने देखा कि यहाँ पे end ना होकर यहाँ पे end हो रहा है. यानी ये line next line तक जा रही है और यहाँ पे कोई punctuation marks नहीं use हो रहा है जबकि इन दोनों में punctuation marks दिए गए हैं. तो ये line किसमें होगी? enjambment में होगी. किसमें होगी? enjambment में. Next assonance. एसोनेंस हमने बताया था आपको when the vowel sound are coming together that is known as assonance. यहां पे आप देखो bearing his white his here I sound is prominent. I sound is prominent. यहां पे I sound क्या है? prominent है. तो इसे assonance कहेंगे. consonance भी आया है C-O-N-O. consonance. What is consonance? We can see
his class. Sir sound is prominent here. Sir sound is prominent here. So this is consonants. Where is the next device, poetic device, that is known as onomatopoeia. Onomatopoeia means dhvani suchak. What is an onomatopoeia? In this figure of speech, the sound of the thing suggests its meaning. इस figure of speech में जो भी चीजें हैं उसके sound ही इसकी meaning को suggest करते हैं. तो यहाँ पे snarling is the sound of the tiger. यहाँ पे snarling जो है tiger की sound है. इसलिए we can say that onomatopoeia. Now I will start the second one. Now I am going to tell you the fourth stanza of this poem. What the fourth stanza says? But he is locked in a concrete cell. Cell means case. His strength behind bars. Bars is also, we can say, case. Stalking the length of his case, ignoring visitor. Stalking the length of his case, ignoring visitor. यहाँ पे concrete word is used. Concrete means building made up of brick, cement, water, etc. So, what the poet says in this stanza? The poet tells the reality of the tiger. The tiger who lives in the cage, Anju. यहाँ पे poet ने tiger के reality बताया है. जो tiger किसमें रहते हैं? Zoo में रहते हैं. He says that the tiger is confined in the concrete wall. We can say concrete wall means this wall is made up of strong building material. जो concrete cell है, it is made up of strong building material. He cannot move properly. He can take only a little steps. वो वहां केवल छोटे छोटे क्या ले सकता है? Steps ले सकता है. The poet says that the strength of the tiger is behind the bar. Means in the cage. जो tiger की strength है, वो केवल केस में है. He further says that his ferociousness is also in the case. यानी उसकी जो ferociousness है, anger है, वो भी केस के अंदर है, पिंजरे के अंदर है. यानी he cannot show his ferociousness to the people. वो people को अपनी ferociousness क्या नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता. He just stalks in the case. Stalks means move. वह केवल केस में क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है. यानी ही कैन मूव आर टेक अ लिटिल स्टेप्स इन द केस. द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर. हियर द पोएट सेज दैट ही नेवर टेररिज द विजिटर्स. ही नेवर टेररिज द विजिटर्स बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड. क्योंकि उसका पावर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसे केज में बंद कर दिया गया है, तो वह किसी भी विजिटर को क्या नहीं कर सकता, टेररिज नहीं कर सकता. तो यहां पे पोएट कह रहा है कि ही कैन नॉट टेररिज एनी विजिटर बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड. देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेररिज द विजिटर एज ही कैन नॉट अटैक हिम. क्योंकि वह उस पर क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता. तो यहां पे क्या बता रहा है पोएट? पोएट कह रहा है कि जो टाइगर है वह कहां लोकेटेड है? इन अ कंक्रीट वॉल, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल. और उसकी स्ट्रेंथ जो है वह केवल किसमें है? केज में है. नेक्स्ट, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज, यानी वह केवल केज में ही क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. नाउ ही कैन नॉट शो हिज फिरोसियसनेस. वह अपने फिरोसियसनेस यानी एंगर को भी क्या नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता. नाइदर ही कैन टेररिज द पीपल या टेररिज द कमिंग विजिटर. नहीं वह कमिंग विजिटर को क्या कर सकता है? टेररिज कर सकता है. नाउ द पोएटिक डिवाइस. आई एम गोइंग टू टेल यू द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस स्टैंजा. तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज द राइमिंग स्कीम. तो राइमिंग स्कीम इज कमिंग अगेन एंड अगेन ऑफ द ईच स्टैंजा. ए बी सी बी, ए बी सी बी एंड द bars visitors. Bars visitors are rhyming together. Bars or visitors
बार्स विजिटर्स दे आर रैंक टूगेदर, ये क्या है रैंक कर रहे हैं. नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, द पोएट पर्सोनिफाइड द टाइगर विथ ही, उसने टाइगर को ही से क्या किया है पर्सोनिफाइड किया है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मैंने पहले बता दिया है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्या माना जाता है लिविंग माना जाता है, किसी निर्जीव चीज को या तो भाववाचक विचारों को सजीव मान लिया जाता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट राइमिंग स्कीम एसोनेंस. एसोनेंस मीन्स व्हेन द वॉवल साउंड इज प्रोमिनेंट इन अ लाइन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ही ई लॉग्ड ई कंक्रीट ई सेल ई, यहाँ पे ई वॉवल साउंड जो है वह प्रोमिनेंट है मुख्य है. सो यहाँ पे क्या आया एसोनेंस. अब नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस वी कैन सी हियर स्टार्टिंग एस हिज एस देन हियर हिज बास, ये लाइन जो है वो कमिंग टुगेदर तो स्टार्किंग्स हिज बास यानी ये एक साथ आ रहा है तो इसमें एस क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंस है. क्या है कॉन्सोनेंस है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिहाइंड बास, बिहाइंड बास ब साउंड इज कमिंग बी ब साउंड इज कमिंग टुगेदर, ब साउंड जो है साथ साथ आ रहा है तो दिस इज एल्ट्रेशन. एल्ट्रेशन दिस इज अल्ट्रेशन बिकॉज ब साउंड इज कमिंग टुगेदर. तो दिस इज द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज इन दिस स्टैंजा. दिस इज द लास्ट स्टैंजा द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What the poet says in the stanza? The poet says that the tiger that remains in the zoo, जो tiger zoo में remains रहता है, he can only hear the sound of the patrolling car in the night. वह केवल रात में पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है. पेट्रोलिंग कार इज द कार दैट इज यूज्ड बाय द पुलिस टू गार्ड्स एट नाइट. पेट्रोलिंग कार जो होती है वह पुलिस के द्वारा यूज होती है नाइट में क्या करने के लिए गार्ड करने के लिए. तो पोएट कह रहा है कि जो टाइगर जू में है ही ओनली हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार इन द नाइट. वह नाइट में केवल पेट्रोलिंग कार के साउंड को क्या करता है सुनता है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ही स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स लुक कंटिन्यूअसली यानी ड्यूरिंग द नाइट टाइम द टाइगर लुक्स इन द स्काई. He watches the shining star with his shining eyes. वह अपने shining eyes से shining stars को क्या करता है देखता है. Brilliant eyes means shining eyes. Brilliant stars means shining stars. यह बता रहा है कि the tiger is very sad. He is confined in the prison. He cannot move. वह move नहीं कर सकता. इसलिए विथ हिज शाइनिंग आईज ही कैन ओनली सी द शाइनिंग स्टार्स इन द नाइट. ही ट्राई इन दिस वे द टाइगर ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड्स इट. इस प्रकार से वह अपने थॉट्स को क्या करना चाहता है डाइवर्ट करना चाहता है. एनी डाउट. तो यहां पर बता रहा है कि जो टाइगर जू में होता है वह केवल पेट्रोलिंग कार की आवाज को रात में सुनता है. वह इतना दुखी है कि केवल शाइनिंग स्टार्स को अपनी शाइनिंग आईज से देखता रहता है. इस प्रकार से वह अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा. तो पोएटिक डिवाइस सेम एज ए बी सी डी. ए बी सी
और कार्स एंड स्टार्स आर राइम टुगेदर. कार्स और स्टार्स क्या है? राइम टुगेदर है. पर्सोनिफिकेशन इज अगेन गिवन हियर. ही इज पर्सोनिफाइड टाइगर. किससे पर्सोनिफाइड किया गया है? ही से पर्सोनिफाइड किया गया है. देन आफ्टर इंजैबमेंट इज गिवन द लाइंस इज नॉट एंड हियर मींस द लाइन इज कंटिन्यूअस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क्स. ये लाइन जो है नेक्स्ट लाइन तक जा रही है, यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क्स यूज नहीं किया गया है. तो ये हो गया इंजैबमेंट. यहाँ पे क्या दिया गया है? इंजैबमेंट दिया गया है. देन आफ्टर वी कैन सी एंड विथ हिज ब्रिलियंट आईज. यस, दिस इज द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड हियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.